लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप मेरे पूज्य हैं, मुझसे क्षमा याचना करके मुझे पाप में क्यों घसीट रहे हैं? मैं समझ रहा हूं आपकी व्यवस्था, काम आज्ञा के आगे आप ही मेरे समान विवश हैं। परंतु तुम यहां होते हनुमान तो तुम बहुत कुछ कर सकते थे, क्योंकि तुम में जो साहस है वो हम में से किसी में नहीं। परंतु भैया, प्रभु श्री राम के आगे मेरा सारा साहस भक्ति बनकर उनके चरणों में झुक जाता है। सुमेरु से लौटने के पश्चात जब मैंने पहली बार प्रभु के दर्शन किए तो उनका दुख देखकर मेरा सारा दोष जाता रहा। वे भी हमारी तरह विवश हैं भैया, विधाता ने अयोध्या का राजा बनाकर उन्हें कोई सुख नहीं पहुंचाया है, केवल दुख दिया है, कष्ट पहुंचाया है। प्रणाम महाराज। प्रणाम बजरंगबली हनुमान। प्रणाम मुनि कुमार। प्रणाम मुनिवर। आप मुझे जानते हैं? आपको कौन नहीं पहचानता केसरी नंदन। मैं ही क्या, सारा संसार आपके नाम से परिचित है और आपके दर्शन मुझे पहले भी हो चुके हैं। मुनि कुमार, आपका अयोध्या में आने का उद्देश्य क्या है? महाराज, ये पत्र अयोध्या पति श्री राम के लिए लेकर आया हूं, क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूं? मुनि कुमार, श्री राम इस समय अयोध्या में नहीं है, यदि आप चाहें तो यह पत्र हम उन तक पहुंचा सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा, लीजिए। अच्छा महाराज, मुझे आगे दीजिए। मुनि कुमार, कुछ देर अयोध्या में रुक के विश्राम क्यों नहीं करते? नहीं महाराज, मुझे संध्या से पहले आश्रम पहुंच जाना चाहिए। परंतु मुनिवर, आपने ये तो बताया नहीं कि ये पत्र किसका है और आप किस आश्रम से आ रहे हैं। क्षमा कीजिए, ये बताने का अधिकार मुझे नहीं है, परंतु कृपा करके ये पत्र श्री राम तक पहुंचा दीजिएगा। प्रणाम। जैसी आपकी इच्छा। प्रणाम। जय श्री। कहीं ये पत्र माता सीता का तो नहीं? जिसका भी हो हनुमान, परंतु है तो भैया राम के लिए ही। तो ठीक है भैया, ये पत्र प्रभु श्री राम तक मैं पहुंचा देता हूं, आप ये पत्र मुझे दे दीजिए। जैसी तुम्हारी इच्छा हनुमान, लो। हम अपना कर्तव्य भूले नहीं है भरत, अयोध्या के राजा का कर्तव्य हम अपनी पूरी योग्यता के साथ निभाएंगे। परंतु जब से वो घटना घटी तब से हमारा मन न जाने बार बार क्यों विचलित होता है। भैया, जब से सीता भाभी जैसी देवी गई हैं, अयोध्या श्रीहीन सी हो गई है। अयोध्या का हर एक व्यक्ति उदास है, उनकी उदासी केवल आप ही दूर कर सकते हैं। नहीं भरत, जो व्यक्ति स्वयं उदास है वो भला दूसरों की उदासी कैसे दूर कर सकता है। भैया, सारी प्रजाजन, तीनों माताएं सभी आपसे मिलना चाहती हैं। चलिए भैया। जय श्री राम। प्रणाम प्रभु। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु, किसी आश्रम से एक मुनि कुमार आपके लिए यह पत्र लेकर आए थे। पत्र? हां प्रभु। भैया, हो सकता है सीता भाभी का पत्र हो। भैया भरत, भैया शत्रुघ्न, चलिए, मुझे आप लोगों से एक आवश्यक कार्य है, आइए। अब मुझे विश्वास है कि मुझे अयोध्या
माया से दूर कर देने में पिता का कितना दोषी है। आप तो विवश थे, अपनी मर्यादाओं से बंधे थे, कहीं रघुकुल की अपकीर्ति ना हो जाए इसलिए चिंतित थे। ये तो मेरे भाग्य का दोष था। अच्छा ही हुआ कि मुझे भाविन को अपने अपने से दूर कर दिया, अन्यथा मेरे दुर्भाग्य की छाया आपको और भी गहरे संकट में धकेल सकती थी। मैं ये पत्र इसलिए लिख रही हूँ कि आप इस अपराध बोध से मुक्त हो जाएं। मैं आपके स्मृति चिन्ह को अपने घर में संजोए हुए हूँ। अपनी माता के कष्ट में मेरी होने वाली संतान जाने अनजाने सहारा दे रही है। स्वामी, ये समझ लीजिए कि आपने मुझे उनके भरोसे अकेला छोड़ दिया है। मैं जहाँ जिस महान ऋषि के आश्रम में रह रही हूँ वो मेरे पिता की तरह देखभाल कर रहे हैं। देर सवेर आप ये जान ही जाएंगे कि वो महान ऋषि कौन है और उनका आश्रम कहाँ है। जब तक विधाता मुझे यहाँ रखना चाहे तब तक मुझे अज्ञातवास में ही रहना होगा। आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए। जब मेरी स्मृति बहुत सताने लगे तो उन घड़ियों का स्मरण कर लीजिए जो हमने साथ साथ रहकर वनवास में बिताई थी। सूर्यवंश के इष्ट देव सूर्य देवता आपको और आपकी अयोध्या को कुशल मंगल से रखें। प्रणाम स्वामी। प्रणाम मर्यादा पुरुषोत्तम। आपकी सीता। आपके वियोग में मुझ पर क्या बीती ये मैं नहीं जानती। परंतु योग के पश्चात हर मिलन सुखदाई नहीं होता। भैया, प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? कितने दिनों के पश्चात इतनी सुखद घड़ी आई है। हम सब तो आप दोनों के मिलन का उत्सव मनाना चाहते हैं। ये उत्सव की नहीं, परीक्षा की घड़ी है। कैसी परीक्षा स्वामी? तुम्हारी पवित्रता की परीक्षा, तुम्हारे सतीत्व की परीक्षा, पति होने की परीक्षा। रथ में आपके साथ वो वन विहार, उसकी सुखद अनुभूति अब भी मेरे रोमों को फैला रही है। संसार का यही नियम है सीते, कोई भी सुखद अनुभूति देर तक नहीं रहती। समय का परवाह उसे दूर तक बहा ले जाता है।